वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है पैरासिटोलॉजी से लेके। तो पैरासिटोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट है पैरासाइट और लॉजी। तो जिसमें पैरासाइट का अध्ययन किया जाता है वो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो पैरासिटोलॉजी में होता क्या है, तो पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट का अध्ययन किया जाता है, और अभी हम जो जिसका अध्ययन करेंगे वो है मेडिकल पैरासिटोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि जो मेडिकली इम्पोर्टेंट पैरासाइट है, जो पैरासाइट डिजीज क्रिएट करते हैं, उसको उसका अध्ययन हम इस मेडिकल पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया करेंगे। पैरासिटोलॉजी में काफ़ी बहुत सारे जो पैरासाइट आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, किंतु हम केवल मेडिकल जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो स्टडी ऑफ अ पैरासाइट विच कॉज डिजीज, वो आता है मेडिकल पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत। तो ये पैरासाइट होता क्या है, पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कहीं से अपना जो भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो अगर ये कहीं किसी को हार्म पहुँचाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो उसमें डिजीज भी प्रोड्यूस करता है। तो ए पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच गेट नॉरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव इज कॉल्ड पैरासाइट। तो पैरासाइट उन जगहों पे पाया जाता है और जहाँ पे ये रहता है वहीं से वहाँ वो ये भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, तो पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो पैरासाइट में जो पहला पैरासाइट आप देखते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर और पैरासाइट मतलब जो एक जीव होता है वो। तो ये जो बाहरी सरफेस पे पाया जाता है, सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म पे पाया जाता है, उसको एक्टो पैरासाइट कहा जाता है। एक्टो पैरासाइट जैसे जो सर पे जुएं होती है वो एक एक्टो पैरासाइट के अंतर्गत आता है, जो अपने सर की सरफेस पे रहता है। तो इसमें से वही जो खून चूस के अपना जो गुजारा करता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है खून चूस के, ठीक है। दूसरा और जो पैरासाइट है वो है एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर से भोजन प्राप्त करता रहता है वो आता है एंडो पैरासाइट से, जैसे एंटमोबिया, हिस्टोलाइका, एस्केरिस, लैम्ब्रिकाइट जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये एक एंडो पैरासाइट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब आवश्यक रूप से, जो मस्ट स्पेंड सम पार्ट ऑफ लाइफ, जो अपना जो पैरासाइट होता है अपना जीवन का कुछ पार्ट निश्चित रूप से आवश्यक रूप से वो स्पेंड करता है, ठीक है, बॉडी में जरूर स्पेंड करता है वो अपने लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट। तो वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम है, वो मानव शरीर में जरूर अपना जीवन का कुछ पार्ट व्यतीत करता है, तो वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बिना अपना वो उसका जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और कुछ पैरासाइट होते हैं जो मतलब एक ही जीव में अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। और जो नेक्स्ट पैरासाइट का टाइप है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो इसमें ये कंपलसरी नहीं होता, ये इसमें किसी एक में भी रह सकता है या किसी दूसरे जो होस्ट होता है जिसमें रहता है उसमें भी व्यतीत कर सकता है। तो मतलब ये आवश्यक रूप से नहीं है कि एक में ही रहे या फिर किसी और दो जो जीव होते हैं उसमें व्यतीत करे, तो वो आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। और नेक्स्ट है एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्सीडेंटल पैरासाइट मतलब जैसे कोई मानव शरीर है उसमें अगर कोई पैरासाइट जनरली नहीं पाया जाता है, एक्सीडेंटली अगर उसमें पाया जाता है वो पैरासाइट, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट, ठीक है। तो वो अननेचुरल होता है, अननेचुरल होस्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मानव शरीर में कोई पर्टिकुलर पैरासाइट है वो नहीं पाया जाता है, किंतु अगर हमें मिल जाता है वो पैरासाइट मानव शरीर में, तो वो उसे हम बोलेंगे एक्सीडेंटल पैरासाइट।
और जो नेक्स्ट है एबेरेंट पैरासाइट, मतलब कैन नॉट लिव लिव्स और डेवलप फर्दर, ऐसा पैरासाइट जो कि माइग्रेशन के दौरान आता है और डेवलप नहीं करता है आगे, ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंटल पैरासाइट मानव शरीर में आ गया किंतु वो आगे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है या आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है तो उसे बोलेंगे एबेरेंट पैरासाइट। और जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे अगर मानव में कोई भी पैरासाइट है जैसे एस्केरिस है तो एंटर कर गया तो वो जो भी भोजन प्राप्त करेगा मानव से ही करेगा, तो ये अपने जो एस्केरिस का होस्ट हो गया मानव, ठीक है। तो होस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट होता है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट उनको बोलते हैं जिसमें जो पैरासाइट होता है उसकी एडल्ट फॉर्म पाई जाती है, एडल्ट फॉर्म पाई जाती है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। और या फिर अपनी जो सेक्सुअल लाइफ होती है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर उसमें व्यतीत करता है तो उसे भी हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। डेफिनेटिव होस्ट व्हेन इट हार्बर्स पैरासाइट इन एडल्ट फॉर्म और वेयर पैरासाइट यूटिलाइज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट। ये जो टर्म है आप याद रखिएगा क्योंकि हम जो अभी नेक्स्ट ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी से लेके, तो अपने जो भी आगे पैरासाइट आएंगे जिसका हम अध्ययन करेंगे लाइफ साइकिल वगैरह, तो उसमें ये बार बार शब्द आएगा डेफिनेटिव होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट। तो उस समय आपको ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए कि डेफिनेटिव होस्ट मतलब ये उनका एडल्ट फॉर्म फला आदमी में रहेगा या कोई जंतु है उसमें, अगर किसी में डेफिनेटिव होस्ट है वो, जैसे मानो किसी का डेफिनेटिव होस्ट है इसका मतलब हुआ कि उसमें एडल्ट फॉर्म पाई जाएगी और जो लार्वल स्टेज है वो किसी और में पाई जाएगी, अर्थात उसमें इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो पर्सन। तो इंटरमीडिएट होस्ट में होता है लार्वल स्टेज पाई जाती है और अगर ए सेक्सुअल लाइफ भी अगर कंप्लीट होती है तो वो इंटरमीडिएट होस्ट में आएगी। और नेक्स्ट है पेरेंटेनिक होस्ट, मतलब अगर इसमें पैरासाइट रह रहा है व्हेन होस्ट हार्बर्स पैरासाइट लेकिन उसमें डेवलप नहीं होता है और पैरासाइट उसमें रहता है लेकिन डेवलप नहीं कर पाता है तो उसको बोलेंगे पेरिटेनिक होस्ट। अगर मानव शरीर में कोई पैरासाइट पाया जाता है और वो मान लीजिए दिख गया है किंतु वो आगे ग्रो नहीं करा है डेवलप नहीं करा है तो उसे बोलते हैं पेरिटेनिक होस्ट। और जो नेक्स्ट है रिजर्वियर होस्ट, इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन टू अदर होस्ट, ये मतलब जो पैरासाइट होता है ये अवेलेबल कराता है दूसरे पैरासाइट को ट्रांसमिशन के लिए अदर होस्ट में, तो उसे बोलते हैं रिजर्वियर होस्ट, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे होस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यूचुरल होस्ट। न्यूचुरल होस्ट मतलब जो न्यूचुरली इन्फेक्टेड टू अ स्पीसीज, कोई जैसे एक पैरासाइट है वो एक ही स्पीसीज को बार बार इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूचुरल इन्फेक्ट। जैसे एक ही पैरासाइट जैसे मानव में ही बार बार सिर्फ मानव में ही पाया जाता है तो वो उसे ये उसे बोलेंगे म्यूचुअली होस्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सीडेंटल होस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एक्सीडेंटल पैरासाइट होता है वो अगर एक्सीडेंटली किसी होस्ट में एंटर कर जाता है तो उसे बोलेंगे एक्सीडेंटल होस्ट, और किंतु वो उसको जो जिसमें वो पैरासाइट गया है वो उसको इन्फेक्टेड नहीं करता है, नॉट इन्फेक्टेड विथ पैरासाइट अगर एक्सीडेंटल होस्ट होता है तो, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट है और टर्म क्या है देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ पैरासाइट्स एंड होस्ट। जो ये पैरासाइट होता है और होस्ट है इसमें क्या रिलेशन है उसके अनुसार अपन पैरासाइट को बांटते हैं,
तो जो पहला इसका जो उदाहरण है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। इसमें होता क्या है कि ये जो पैरासाइट होता है वो इसमें एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, जो दोनों जैसे होस्ट है और पैरासाइट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और कोई भी अकेला जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, कांट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ अदर और नन ऑफ द पार्टनर सफर। और अगर ये सिम्बायोसिस में ना तो किसी को नुकसान होता है और दोनों ही एक दूसरे का जो लाभ उठाते रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सहजीवी, किसी को भी नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट जो एसोसिएशन है पैरासाइट्स और होस्ट का वो है कॉमन सेलिज्म। इसमें गेट बेनिफिट विदाउट हार्म। इसमें जो कॉमन सेलिज्म होता है, जैसे एक होस्ट में पैरासाइट गया है तो वो पैरासाइट होस्ट से अपने जो जरूरी आवश्यक है भोजन है लेता रहेगा, लेकिन होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कॉमन सेलिज्म इज एन एसोसिएशन इन विच पैरासाइट डिराइव बेनिफिट विदाउट कॉसिंग इंजुरी टू इट्स होस्ट। जैसे आप देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया होता है अपने जो थ्रोट में होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो अपन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो आता है कॉमन सेलिज्म। ये एक सिम्बोसाइस जो अपन पहले डिस्कस किया था सिम्बायोसिस, उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है पैरासाइट और होस्ट का एसोसिएशन, वो है म्यूचुअलिज्म। इसमें होता क्या है कि दोनों को ही लाभ होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक है, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते रहते हैं। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, वैसे ही म्यूचुअलिज्म, तो दोनों को बेनिफिट होता रहता है। ठीक है, ये एक और उदाहरण है सिम्बायोसिस का, सहजीवी का। ठीक है, और नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। इसमें जो पैरासाइट है अगर किसी होस्ट में एंटर कर गया है तो उसको नुकसान पहुंचाएगा और खुद नॉरिशमेंट करता रहेगा। जैसे अभी हम जो मेडिकली इम्पोर्टेंट पैरासाइट पढ़ेंगे वो पैरासिटिज्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे प्लाज्मोडियम देख लीजिए, तो वो ह्यूमन से अपना डेवलपमेंट करेगा, जैसे भोजन लेके डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मानव को क्या देगा, मलेरिया। उसी प्रकार जैसे एस्केरिस है या और भी कोई पैरासाइट है, वो सब पैरासिटिज्म के अंतर्गत आते हैं। पैरासिटिज्म इज एन एसोसिएशन वेयर पैरासाइट्स गेट्स बेनिफिट एंड होस्ट होता है गेट नथिंग इन रिटर्न बट ऑलवेज सफर कम इंजुरी हाउ एवर मिनिमम द इंजुरी मे हार्म द नेक्रोसिस। ठीक है, तो पैरासाइट नुकसान जरूर पहुंचेगा अगर वो किसी होस्ट में जाता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें किस में जो होस्ट ये एनिमल है कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाता है, तो इसको जो एनिमलिया है ये एक बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य है इनके एनिमल का। उसमें आता है सब किंगडम है मेटाजोआ, और उसमें हम डिवाइड करते हैं फाइलम आता है, एक तो है प्लेटीहेल्मिन्थीज और एक है निमेटोहेल्मिन्थीज। और निमेटोहेल्मिन्थीज में आते हैं क्लास एक है निमेटोडा, जिसमें आते हैं राउंड वर्म। इसमें तीन तरह की अपन स्पेसीज देखते हैं, एक है इंटेस्टाइनल स्पेसीज जो कि इंटेस्टाइन में रहती है, एक इंटेस्टाइनल और टिश्यू स्पीसीज जो इंटेस्टाइन और टिश्यू में रहती है, और एक है ब्लड और टिश्यू में पाई जाती है। और जो सेकंड जो क्लास है फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसमें दो क्लास है, एक तो है सिस्टोडा और एक है ट्रिमेटोडा। तो सिस्टोडा में आते हैं टैप वर्म, टैप आप जो चिपकाने वाली होती है उसमें कुछ फ्लैट जो पैरासाइट होते हैं उस वो आते हैं सिस्टोडा में। और ट्रिमेटोडा में जो फ्लूक होते हैं जैसे फैसियोलो एपिटिका है
इसकी भी स्पेसीज होती है तीन में, इंटेस्टाइन में पाई जाते हैं पाई जाने वाली, ब्लड में पाई जाने वाली और टिश्यू में पाई जाने वाली, ये इस प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले हम अलग अलग इसको क्लासिफाइड करके देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरासाइट आते हैं। तो जो निमेटोड में देखते हैं, निमेटोड एक क्लास है निमेटोहेल्मिंथीज के अंतर्गत आने वाली, जिसमें जो राउंड वर्म होते हैं वो सारे निमेटोड के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप देख लेते हैं जो तीन तरह की स्पीसीज है, इंटेस्टाइनल में पाई जाने वाली जो फर्स्ट पैरासाइट है वो है एंटेरोबियस वर्मिकुलस, और सेकंड है ट्रैचुरिस ट्रैचुरा, थर्ड है एस्केरिस लम्ब्रिकाइड्स सी, और नेक्स्ट है नेक्स्टर अमेरिकन्स, और नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनम, और लास्ट है स्ट्रोंगोलिस स्ट्रिकोलिस। ये जो सारी जो सारे पैरासाइट है वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ये राउंड वर्म है और जो क्लास है निमेटोडा उसके अंतर्गत आते हैं। और जो सेकंड है इंटेस्टाइनल टिश्यू स्पीसीज, उसमें है ट्राइचिनेला स्पाइरलिस और ड्रकनकुलस मेडिनेसिस, ये गिनी वर्म जिसको बोला जाता है, ये भी राउंड वर्म में ही आता है निमेटोड क्लास में। और जो थर्ड है इसका जो सब कैटेगराइज है वो है ब्लड में पाए जाने वाला ब्लड और टिश्यू स्पीसीज, वो है वाउचेरिया ब्रोंकोक्राप्टी और ब्रोगिया मलाई लियोलियो और ऑनकोसेरा वॉल्वेलस। ये सारी स्पीसीज जिसका हम नेक्स्ट जो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, आप अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, सभी का हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इनका क्या क्लास है, किस क्या होस्ट है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या इनके सिम्टम है, कैसे टेस्ट करेंगे और इनके क्या ट्रीटमेंट है, वो भी हम सारा एक एक करके देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। और जो नेक्स्ट है वो है सिस्टोडा, सिस्टोडा को बोलेंगे टैप वर्म, ये एक फ्लैट होते हैं जो टिप चिपकाने वाली टैप होती है उसके के अनुसार ये इसमें क्लासिफाइड करते हैं। तो सिस्टोडा में आते हैं दो तरह की स्पीसीज, एक है इंटेस्टाइनल और एक है इंटेस्टाइनल टिश्यू स्पीसीज। तो इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली है टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, ये दोनों टीनिया की स्पीसीज है। और नेक्स्ट है हेमेनोलिप्सिस नाना, जिसे एच नाना भी बोला जाता है, और फिर है डाइफाइलोथ्रियम लेटरम, ये इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली सेस्टोडा क्लास की स्पीसीज है, पैरासाइट है। और नेक्स्ट है वो है इंटेस्टाइनल टिश्यू स्पीसीज, इसमें है ट्राइचिनेला स्पेरलिस और ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये उसमें आते हैं सेस्टोडा में, ठीक है। और इंटेस्टाइन में आ गया, सॉरी, इसमें ये जो इंटेस्टाइनल टिश्यू स्पीसीज में इसमें जो आई जो इस पैरासाइट आएगा वो इकाइनोकोकस ग्रेनुलेसिस होगा, इसमें ये मिसप्रिंटिंग हो गया। तो इसमें इंटेस्टाइनल टिश्यू स्पीसीज में एक ही पैरासाइट आएगा इकाइनोकोकस ग्रेनुलेसिस, ठीक है। और दूसरा आपने देख लिया ये ट्रिमेटोड है, ट्रिमेटोड में फ्लूक आते हैं, इसमें तीनों तरह की स्पीसीज है, इंटेस्टाइनल है, ब्लड स्पीसीज है और टिश्यू स्पीसीज है। तो इसमें अपने जो पैरासाइट इंपॉर्टेंट है वो है फैसियोला हिपेटिका, इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप ये जरूर पहले पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी अपन पहले पैरासाइट पढ़ेंगे उससे पहले ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आए को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे आपको जब भी अपने ये पैरासाइट से लेके या कोई भी वीडियो अपलोड होगा अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए, थैंक यू वेरी मच।